जीजा, सारे लोग कैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, और तो और मंदिर का हाथी भी सूर्य पंडित का स्वागत कर रहा है। क्या हमारी इतनी औकात भी नहीं? पुजारी जी, हाँ। पूजा आरंभ कीजिए। एक मिनट सूर्य पंडित, युगो युगो से तुम्हारे लोग यहाँ पूजा करते आए हैं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, पर तुम अपने आप को लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हो, इससे हमें तकलीफ होती है। देखा जाए तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे बाजुओं में भी ताकत है। अगर तुम में हिम्मत हो तो सारे लोगों के सामने मेरे बेटे से जीत कर दिखाओ, फिर अपना पूजा पाठ कर लेना। तो ऐसा ही होगा। नमस्कार, आप लोग इस तरह, आखिर बात क्या है पंडित जी? उस प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट की बात मैंने कलेक्टर से कर ली है, वो इस बारे में मंत्री जी से बात कर लेंगे। बहुत खुशी हुई पंडित जी, इस प्रोजेक्ट की वजह से आसपास के 15 गांव के खेतों को पानी मिलेगा और हमें जो हर वर्ष नुकसान होता है वो नहीं होगा। आप लोग चिंता ना करें, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है, चलो बेटे। पंडित जी, पंडित जी, गणपत की बेटी इससे प्यार करती है। क्यों, क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं, और अब इसके पिताजी इसकी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं। हम दोनों नहीं जी सकते एक दूसरे के बिना। जी पंडित जी, पड़ोस के गांव के उस लड़के के पास 5 एकड़ जमीन है, इसलिए मेरे माँ बाप मेरी शादी वहीं करना चाहते हैं। क्यों गणपत, ये जो कह रहे हैं वो सच है? सच है पंडित जी, अगर उससे रिश्ता तय हो गया तो इसका आने वाला कल खुशहाल होगा, और धन दौलत की वजह से इनकी जिंदगी खुशी से बीतेगी। धन दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो तब मिलती है जब मनचाहा जीवन साथी मिले। इंसान के मन में तुम जैसे लोग लालच पैदा करते हैं, समझे कि नहीं? इन दोनों की शादी न होने का कारण जमीन और धन है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा माई। देखो गणपति, इंसान को जमीन जायदाद की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए प्यार और अपनों का साथ, इसके बगैर वो इंसान नहीं होता। रानी, हाँ? दे दो। ठीक है। जा। ये लीजिए। नमस्कार। नमस्कार रानी। हाँ? आओ। अरे 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 रानी, रानी संभल के। बहुत अच्छे, गांव में किसी की जरूरत हो तो उसकी शादी करवा देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, पर खुद शादी नहीं कर सकते। बाबूजी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे किसको क्या फर्क पड़ता है, हाँ? अरे मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत, आपकी देखभाल करने के लिए इतने सारे नौकर हैं तो। हाँ है ना, सोने जैसे घर में लाखों नौकर होने से क्या होता है, जब लक्ष्मी जैसी बहू नहीं तो वो घर घर नहीं होता। देखो उम्र में हम तुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आखिर सोचना समझना तो तुझे ही है। फिर भी हम तेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है तुझ पर। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे इसलिए दुखी है? नहीं रे, हम तेरे आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हैं। सूर्या, औरत और आदमी का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है, ये बात तो अच्छी तरह समझ ले। देख तुझे अभी नहीं, उम्र ढलने के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। मुझे किसी के साथ की कमी महसूस नहीं होती, मेरे बारे में ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। क्या रे, क्या मतलब है, तू क्या जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारेगा? किसने कहा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आप लोग हैं, मेरी जान से प्यारी रानी है, मेरे लिए जान देने वाला मेरा भाई सत्या भी है। Hey!
अरे कहीं चोट तो नहीं लगी? यू इडियट, तुमने अपनी कार से मेरी कार को चक्कर क्यों मारा? चक्कर मारना नहीं, टक्कर मारना कहते हैं। चक्कर तो मैं लगाऊंगा यदि तुम मुझसे प्यार करोगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा, हम दोनों चक्कर चलाएंगे। अरे क्या गंचा, क्यों रे अकेली लड़की को देखकर छेड़ता है, यही तेरी मर्दानगी है? ए, अपने काम से काम रख रहे, देख मैं इसको अभी किस करूंगा, देखता हूँ तू क्या कर लेगा। क्या? हाँ, देखता हूँ तू क्या कर लेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ। चला जा, आजा, आजा, किस करके देखा, चला। देख तेरे सामने अभी किस करूंगा, देखता हूँ क्या करेगा। जी जी जी, मुंह से बदबू आ रही, जा ब्रश कर क्या। हे श्री, क्यों जाने मन, इसको पीटोगी नहीं? अपुन नहीं बाप, ये अपुन तो चला। अपनी बर्बादी कब होगी बताओ? हे श्री, बताओ। पहले बड़े भैया की शादी होगी, फिर हमारी शादी होगी, और क्या पता वो तुम्हें पसंद करे ही नहीं। बताओ। अरे हिंदी तो सीख ले। क्या हुआ दीदी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है मुझे बताओ, बताओ ना क्या बात है? दीदी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, इसे दिल्ली वाले फ्लैट में रहने को कहा, लेकिन ये सुनती कहाँ है, बहुत ही जिद्दी है। मेरी बात रहने दो, मम्मी पापा कैसे हैं? क्या वो दोनों मुझसे अब तक नाराज हैं? वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। मुझे तकलीफ होगी इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। 10 साल पहले उन्हें बिना बताए शादी करके घर से चली गई थी, उसी गुस्से में मुझे अपने से दूर कर दिया। अमेरिका जाने के बाद मुझे पूरी तरह से भूल गए। अगर भूल जाते तो मैं तुमसे मिलने क्यों आती? क्या हुआ भवानी, तुम तो घर खाली करने वाली थी, हर बार क्या मैं ही याद दिलाऊं? नहीं भाई साहब, 1 महीना और। हाँ, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था ना, 6 महीने से तुम हर दिन यही नाटक कर रही हो, ये कोई धर्मशाला है क्या? माइंड योर लैंग्वेज, इज्जत से बात कीजिए। आप अपना किराया ले लीजिए, हम आज ही ये घर खाली कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ओके? क्या वीरू, तेरी वो अंग्रेजी बोलने वाली छमिया जॉगिंग पे नहीं आई क्यों? वो श्री श्री, हम दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो गया, शादी नहीं करा इसलिए नाराज हो गई है। नाराज नहीं होगी वीरू तो और क्या होगी, तेरा भैया जब तक शादी नहीं करेगा तू भी शादी नहीं करेगा, तेरा भाई जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, तू कुंवारा ही मरेगा वीरू। ए, ऐसा नहीं है, भैया के लिए मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ, लड़की मिल गई तो भाई को कैसे भी करके मना लूंगा। तू कैसे मनाएगा बाप, भैया के सामने आती तो तेरी हवा निकल जाती है। अरे बाप रे, मेरी भी हवा निकल गई, मैं तो जा मर। सुनिए सुनिए भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी सुनिए। भाभी कौन? मेरा नाम वसुंधरा है। नहीं, आपका नाम वसुंधरा नहीं है। तुम कौन हो? आप मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में देखा था आपको। हेलो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? आप बहुत सुंदर है, आपकी सादगी, सुंदरता, आप तो एकदम प्रीति जिंटा लगती है। होश में तो हो? अरे आपको देखने के बाद भला कोई होश में रह सकता है जो मैं रहूंगा? पागल हो क्या तुम? अरे सुनिए मेरी बात को समझिए, मैं अपने बड़े भाई के लिए लड़की की तलाश कर रहा हूँ, आपको देखने के बाद मेरी तलाश पूरी हो गई। ये बताओ, अपने भैया के लिए तुम क्यों रिश्ता ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? है क्यों नहीं, पर अच्छे काम के लिए बड़ा क्या और छोटा क्या, आप हाँ तो कहिए, बड़े भैया को मैं यूं मना लूंगा। अरे मैं क्यों राजी हो जाऊँ? आप नहीं जानते हमारे भैया कितने अच्छे हैं, वो हमारी जिंदगी है, आप उनकी जिंदगी बन जाइए। यूं ही तुमसे बात करती रही तो लगता है मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। ये लो प्रसाद और घर जाओ। अरे कब तक राजी होंगी आप? मैं ही क्यों? अरे भैया की शादी का मुहूर्त भी देखना है, तैयारियां भी करनी है। किसी और को देख लो। अरे हाँ कर दीजिए ना। अरे प्लीज भाभी। सत्या, बिग ब्रदर मैरिज फिक्सिंग करने के लिए एक लड़की घूम रहा है। अरे पगली, घूम रहे नहीं, ढूंढ रहे हैं। ओह राइट राइट राइट, ढूंढ रहे हैं। हाय प्रिया।
कह पर आने के बाद एक फोन भी नहीं किया। हे, अपनी पुरानी सहेली से मिलने तो मैं खुद ही आ गई हूँ ना यार। It's all right. Meet my best friend Shri. Hi, how are you? I'm fine. You come to meet your old friend? Yes. Okay, friend. यानी तुमको इतना अवमान है? श्री अवमान नहीं अभिमान कहते हैं। सॉरी वसु, श्री को हिंदी बिल्कुल नहीं आती। नो, हिंदी मुझको जाती है। ओह माय गॉड। कारा सत्य, अब जनता ने अपन का नाम दस्त किया, अब सामने उत्तर जात को बैला मारो। अब सामने अब क्या छुपा बैठा रहा? वो देखो उस लड़की की वजह से सत्य ने मुझे मारा। अब तो पहले उसी को पकड़ लो। हाँ। अपने आप आएगा इधर। चलो। ओके फ्रेंच, ओके ओके। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, लीव मी अलोन, छोड़ो उसे। अरे क्या रे छोकरी, मेरे भाई ने तेरे को जरा सा छेड़ क्या दिया? तूने तो कुंग फू चालू कर दिया। अकर अब मेरा भाई सबके सामने तेरे कपड़े फाड़ेगा और उसके बाद तू चुप बोलेगा। What is this nonsense? अयो, अरे ये तो इंग्लिश में बात करती है। अरे तुझे बाद में देखूंगा मैं, चल हट। अब तू सारा खड़ा होके देख क्या रहा है? पागल हो गया क्या? चल उसको चुप बोला है, मार तो नहीं है क्या तू? कोई शोर छोड़ उसको। रुक, हट। क्या रे, देख क्या रहे हो, खींच के ले आओ। सुनिए, लड़कियों को परेशान करना अच्छी बात नहीं, जाइए यहां से। ए विलेज, ये तेरा गांव नहीं है कि जो कहेगा वो सुन लेंगे, शहर है, निकल जाते। बात है सर, आपने अकेले इतने लोगों को मारा? मैंने क्या किया सर, मुझे क्यों मारा? कुछ नहीं किया इसलिए मारा, चंद लोग मिलकर एक लड़की को बेइज्जत कर रहे थे और तुम लोग खड़े तमाशा देखते रहे। तुम लोगों में से कोई एक भी आगे नहीं आया, यानी किताबें छोड़कर तलवार पकड़ ले। अगर तुम में शर्म होती तो खड़े होकर तमाशा नहीं देखते,
और मेरी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया? अरे तुम लोग इस देश का भविष्य हो, तुम लोग एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाए तो तुम लोग देश की इज्जत क्या खाक बचाओगे? छे! भैया क्या हुआ? छोड़ो वो सब बाद में बताऊंगा, चलो। सुनिए भाभी, इन्हीं के बारे में बताया था, ये मेरे भैया। ओ गॉड, अरे अरे क्या कमाल की चमक है बाप, सब भगवान की कृपा है। भीड़ू अपन ने कितने टकले देखे लेकिन तेरा ऐसा टकला नहीं देखा, तेरा टकला देखकर अपन को टेंशन हो रहा है। अपन ने तो मजाक में मारा लेकिन तूने तो इसे सीरियसली ले लिया बाप, छोटे से मजाक की अपन को इतनी बड़ी सजा। भीड़ू यही है मेरी कमजोरी, हाथ से सर का क्या कनेक्शन है ये मैं भी नहीं जानता, मगर कोई मेरे सर पे हाथ रख दे मुझे गुस्सा आ जाता है। भीड़ू ये वीकनेस आगे चलकर तुझे बहुत नुकसान करेगी। आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने, मैं अपनी शादी के लिए कुछ दिन पहले लड़की के पास रिश्ते के लिए गया था। लड़की को मैंने प्यार भरी नजरों से देखा, मुझे देखकर शर्मा गई और मैंने उसके आगे अपना सर झुकाया, मेरा टकला देखकर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। और सर जब भी कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मुझे वो बात याद आती है सर, और मैं तब से कुंवारा हूँ सर, कुंवारा फिर रहा हूँ सर। क्या करूँ सर, मैं कुंवारा हूँ। बताओ बाप, मजाक में भी मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, टच भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। चल बड़े भैया आ रहे हैं, चल चल काम कर अपना। अरे क्या भैया, आप जब भी आते हैं जल्दी में रहते हैं, कम से कम एक दिन तो रुकिए। नहर के प्रोजेक्ट के बारे में कलेक्टर से बात करने आया था, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो गांव में सब काम कौन देखेगा। हाँ तेरे कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ? खत्म होने वाला है भैया, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बिजनेस? क्या तेरी सारी पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए है? अगर पढ़ लिख कर सभी लोग शहर में रहेंगे तो फिर गाँव का क्या होगा, तेरी पढ़ाई हमारे गाँव के काम आनी चाहिए, समझे ना? ठीक है भैया, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ये क्या भैया? ये तावीज है, इसे मंदिर के पुजारी ने पूजा करके दिया है, इसे बांधने से तेरा बुरा नहीं होगा। और सुनो, अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खाना, रात भर जागना नहीं और सोने से पहले शिवजी को याद करना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? स्कूल में था तब भी आप यही कहते थे, कॉलेज में था तब भी यही कहते थे, और आज भी आप यही कह रहे हैं। मैं अब बच्चा नहीं रहा भैया। बड़ों के लिए छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं। ले ये रख ले। हे, गाड़ी रोको। क्या हुआ? दीदी ये वही है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो देखो। ए, गांव जल्दी आना। ठीक है भैया। ठीक है मैं चलता हूँ। जी भैया। चलो चलकर उनसे मिल आते हैं। कोई जरूरत नहीं, जो तुम समझ रही हो वो इतना महान नहीं है। वो तुम्हारा सूर्य पंडित मेरे पति का छोटा भाई है। मेरी शादी होने के बाद हम दोनों उनके गांव गए थे, उस घर में हमारा बहुत अपमान हुआ, हम लोगों को इंसानों की तरह नहीं देखते थे। इस तकलीफ से मेरे पति ने शराब पीकर जान दे दी, जायदाद में आधा हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए मेरी 6 महीने की बेटी को भी मेरे हाथों से छीन कर ले गए और मुझे घर से निकाल दिया सूर्य पंडित ने। इतना अन्याय तुमने कैसे सहन कर लिया? ये कैसा न्याय है कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया गया? दीदी तुमने कानून की भी कोई मदद नहीं ली? उस गांव में जो सूर्य पंडित कहता है वही होता है, कोई उसकी बात नहीं टालता, वहाँ उसी का राज चलता है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी मासूम बेटी को मिलने के लिए दिन रात तरसती हूँ। Now I'm going to beat you. Oh my God! Let me try. Hello. अरे भाभी, आप यहाँ? जहाँ जरूरत हो वहाँ हमें आना ही पड़ता है ना? भाभी आज तो आप विचित्र बात कर रही हैं। विचित्र इंसान की बात हो तो सब कुछ विचित्र ही लगता है। मैं तुम्हारे भैया से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
क्या कहा आपने? फिर से तो कहिए। मैं तुम्हारे भैया से शादी करना चाहती हूँ। उस दिन मंदिर में तो बड़ा गुस्सा हो रही थी आप, इतनी जल्दी दिल कैसे पिघल गया? पिघल ही नहीं गया, बदल गया। दिल की तो आदत है बदल जाना। जब तुमने अपने भाई के बारे में कहा था तो मैंने उन्हें कोई खास नहीं समझा, लेकिन श्री को बचाते वक्त मैंने उनको देखा, उनकी बातें सुनी, एक औरत के बारे में उनके ख्यालात कितने अच्छे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है हर औरत ऐसे ही पति की इच्छा रखती है सत्य, इसलिए तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आपके हाँ करने से क्या होगा, अपन के बड़े भाई को भी हाँ करना मांगता है ना, शहर की लड़कियाँ उन्हें पसंद नहीं है। सत्या चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्यों सत्या? बिल्कुल, अपने भैया की शादी के लिए मैं कितना भी झूठ बोल सकता हूँ। आप तो ये बताइए कब चलना है गाँव? इसमें सोचना क्या, अभी चलते हैं। ओके। रानी, रानी, ओ, क्या हुआ बेटी? तुम लोगों को अकल है कि नहीं, बीच घर में पानी डालकर चले गए। इतने लोग हैं लेकिन कोई काम ठीक से नहीं होता। चीजे हटो, हटो मेरे रास्ते से। रामपुर, रामपुर, रुकिए, उतरिए। सुनिए सुनिए, पहले दायां पैर रख के नीचे उतरिएगा। ये क्या, बायां पैर रखकर नीचे उतर गई? दायां पैर घर में रखा जाता है, बायां पैर कहीं भी रख सकते हैं। चलो। सही कह रही हैं आप, चलिए जाओ भाई। आज सुनिए तो, यही है अपन का ताजमहल। नमस्कार छोटे मालिक। नमस्ते अंकल। क्या बात है, ऐसे आ गए? आपकी मदद चाहिए पिताजी। मदद? हाँ। और मुझसे? हाँ। ये कौन है मालिक? ये वसुंधरा है। नमस्ते मामा जी। नमस्कार मामा जी। बोली छोटे मालिक, कौन है ये लड़की? आपकी रिश्तेदार है। मेरी रिश्तेदार? मेरा कोई भी नहीं है। आपकी बहन की लड़की है ये? अरे मेरी कोई बहन भी नहीं है। ये झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा, गाँव में आपको सबको बताना पड़ेगा की ये आपकी भांजी है। क्या है ये सब, ये क्या है मालिक? देखिए अंकल, मेरे भैया ऐसे तो शादी करने से रहे, इसलिए चाहे जितना भी झूठ बोलना पड़े लेकिन इसके साथ भैया की शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए आपको और भी नाटक करने पड़ेंगे। क्या कहा, नाटक? नाटक नहीं हो सकता, उनके सामने बात करने की हिम्मत तो नहीं होती। अगर ये सब उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, जैसे कोई नारियल को फोड़ता है। अरे अंकल आप डरते क्यों है, मैं हूँ ना। क्यों, जान बचाने के लिए? छी, अपन का बाप होगा डरते? एक झापड़ लगाऊंगा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। मालूम है, अब बच्चे इतना सब कुछ कह रहे हैं तो आप मान जाइए ना। जरा सोचिए अपन के परिवार की, वो कितनी मदद करते हैं, उनकी शादी हो जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अंकल प्लीज मान जाइए ना। सूर्य पंडित जी को धोखा देना तो बहुत बड़ा गुनाह का काम है, पर अगर उनकी शादी हो जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब अगर तुम लोग साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आओ बेटी। बिल्कुल आइए आइए, जल्दी आओ छोटे साहब, नहाने के लिए पानी कूलिंग हो रहा है। क्या रे, सुबह सुबह क्या हो गया तुझको? कुछ नहीं, पर तुम शहर से आए हो इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि तुम्हें आसानी समझ में आ जाए। अबे शहर में तो सिर्फ पढ़ा लिखा हूँ, पैदा तो गांव में हुआ हूँ। छोटे साहब, अबे ये संसद के विपक्षी नेताओं की तरह क्या हिला रहा है? ये मेरा वीकनेस है छोटे साहब। अबे तेरी ये वीकनेस समझ में नहीं आई मेरे को। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपकी तेल मालिश करने का मन कर रहा है। आप सुनिए, ये स्टूल लीजिए, इस स्टूल पर बैठ जाइए, हिलिएगा नहीं, मैं तेल लेकर आता हूँ, तेल लेकर आता हूँ मैं। इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मालिश छोटे साहब, मालिश छोटे साहब, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मालिश छोटे साहब, चल मालिश।
तेल और ये मालिश। मालिश कर रहा है कि मारा है? गुस्सा मत कीजिए छोटे मालिक। तेल मालिश मालिश कराओ, ढिम पटका तेल मालिश, तेल मालिश करा लो, ढंग से मालिश कर, वीकनेस ठीक हो जाएगा साहब। मालिश मालिश तेल मालिश। छोटे साहब मैं गौरी को टी टिफिन देकर आता हूँ। टी टिफिन क्या होता है रे? टी यानी पानी और टिफिन मानी चाय। मैं भी देकर आता हूँ। डिम्पटका। ए सारा तेल आंख में जा रहा है, मैं नहा लेता हूँ। छोटे मालिक मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना। ए केशव कितनी अच्छी मालिश कर रहा है तू। वाह सर के साथ दिल भी ठंडा हो गया। 10 जन को खाना खिलाने वाला हाथ है सर, आम हाथों से अलग ठंडा होगा ही। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। ठीक है मालिक, पागलों जैसी बात तो कर ही रहा हूँ। ठीक है पर थोड़ी यहाँ पे भी। शाबाश। अब बस करूँ? करता रह नहीं तो मार खाएगा। ए केशव क्या ये सब कहाँ से सीखा रहे तूने? इस सवाल का जवाब बताना भी जरूरी है क्या? क्यों नहीं दे सकता जवाब? ठीक है बड़े भैया से पूछ के बताऊंगा। भाई से क्यों पूछेगा? बड़े भैया ही तो मालिश कर रहे हैं। भैया आप मामा तुमने शादी क्यों नहीं की? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक, जितनी मिली किसी का नक्शा ही ठीक नहीं था इसीलिए। मामा उधर देखो। अरे वो पास में मंदिर है। वो भीमा के साथ कौन छमिया है जो इस तरफ चली आ रही है? गाँव की सारी औरतों की लिस्ट मेरे पास थोड़ी ना है तेरी तरह, मैं बेकार नहीं हूँ। मामा तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, अब चलो। हाँ हाँ ये बात सही। हाँ 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 हर साल मैं व्रत रखती हूँ। अच्छा तुम व्रत रखती हो? अंकल आप भी सांप को दूध पिलाने आए हैं? नहीं रे, एक सपेरा बन के नागिन की म्यूजिक में डांस करने आया हूँ मैं यहाँ। रुकिए अंकल, आप डांस करेंगे तो बहुत गंदे लगेंगे, पर ये लड़की कौन है? मुझे मालूम नहीं है कौन है। मालूम नहीं है? तुम साथ लेकर आए हो? ये लड़की मेरे पिताजी की भांजी है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा की इतनी खूबसूरत भांजी? तुम्हारे पापा का चेहरा कबाड़ी डब्बे जैसा है, ये पाउडर जैसी है। ये लड़की अपने माँ के जैसी है। अपन के पापा उसके पापा जैसे हैं। कर यार, तुझे कितनी बार समझाया, अपनी जबान को कैंची की तरह मत चलाया कर, एक नौकर की तरह रहा कर। तुझे कितनी बार समझाया। आइए आइए, कब से आपका रास्ता देख रहा हूँ, हमारा सारा परिवार यहीं पर है। वो देखिए मेरे पापा और मम्मी, और वो जो लाल रंग की ड्रेस पहनकर खेल रही है वो हमारी रानी है। आप यहीं पर रुकिए, मैं सबको सेट करके आता हूँ। रानी हा? खेल रही हो? खेल रही हूँ। रानी भैया कहाँ है? वो देखिए पापा जी वहाँ खड़े हैं। तुमने नाग को दूध पिलाया? पिलाया, पूजा भी की। बहुत अच्छा। क्या बात है, तो आप भी मन्नत का धागा बांध रही हैं? आपके मन में क्या है वह अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मकसद पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? देखो भाभी ये मोतियों का हार हमारा खानदानी हार है, कुछ देर बाद वो रानी के गले में नहीं रहेगा तो इसके लिए पूरे गांव में शोर शराबा हो जाएगा। तब ये हार ले जाकर आप भैया के हाथ में रख देना, पहली मुलाकात में ही उन पर रंग जम जाएगा आपका। तुम साथ दोगे ना? अरे केशव सूर्य पंडित, रानी के गले में हार नहीं है, इधर आओ। क्या हुआ बाबू? रानी के गले में हार नहीं है, इसने खेलते हुए कहीं पर घुमा दिया। आप चिंता मत कीजिए, ए जाकर हार ढूंढो। जी भाई। पागल ने आकर तो हमारा सारा पान चौपट कर दिया है। रुक जा, ये केले लेकर मेरा हाथ वापस कर दे। Thank you.
तुम कौन हो बेटी? ये मेरी भांजी है, कुछ ही दिन पहले गांव में आई है। बेटी तुम कितनी हिम्मत वाली हो, ये हार सूर्य पंडित की माँ का है, अगर ये गुम हो जाता तो हमें बहुत ही दुख होता। हाँ, अपने हाथों से रानी के गले में डाल दो बेटी। समय पर आकर आपने हार बचा लिया, ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। देखिए, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान की क्या बात है? आपने जो मुझे सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत। आपका ये सम्मान सदैव रहेगा। आपने जो एहसान हम पर किया है, उसके लिए भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। बेटी चलो। रामपुर 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 रामपुर। आंधी किधर है? बजाय इसके लिए अपने पास आ रही। तो नहीं मारेगी ना? पता नहीं। Hey you, what is your problem? Yeah. Why are you whistling at me? Why are you staring at me? You don't have any manners? All right, touring package, looking good. A B C D, B D C D B C, D D A B D C. You shut up. अबे क्या कहा? बोल रही है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रही है। Oh, thank you. No objection. I single. Why are you whistling at me? क्या कहा? बोल रही है कि मुझे देख के विसिल क्यों बजाया? विसिल? Oh, विसिल, sound, village, nativity. Oh, you mean nativity. You mean you welcome people in the village whistling at them. Oh, can you teach me, uncle, please? क्या कह रही है? सिखाने को कह रही है। उंगली पकड़, जुबान पे रख, फूंक मार, सीटी बजा। तुझे अक्ल नहीं है क्या? इंग्लिश में बताना चाहिए, मैंने छोटे साहब के पास सीखा हूँ। फिंगरी मुंह में रखो। शट अप। मुझे शट अप कह रही है। नहीं आती। अंकल, यू टेल मी, यू टीच मी दैट। ओके। फिंगर फिंगर लाइक दिस, मुंह में जीभ पर रखो। ये आ अच्छे। खींचो। Oh, you know Satta's brother Surya Pandit. Ah, baby. अरे बाप रे, मर गए। बड़े मालिक, पिछले साल से इस साल में 200 गुनी ज्यादा माल आया। Yes, me, sir. कौन है आप? कौन है क्या? इसके ड्रेस, इसके चाल, इसके स्टाइल से पता चलता है कि लड़की है। Girl, so you don't remember me? College, that's fine. You saved my life, sir. हाँ, याद आया। यहाँ कैसे आना हुआ? Actually, I'm coming for Sanat. I'm coming here for किसी खास काम से आई हो? Sir, nothing. Is I had to speak to you, sir, about a very important matter, sir. बोलिए, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? आपने नाटक में नहीं देखा? हाँ, हिरण का इधर देखना, उधर देखना, इधर देखना, उधर देखना। कौन सा नाटक? भैया सत्या सही समय पे आया। ये लड़की क्या कह रही है, जरा सुन तो। हाँ भैया। हेलो मिस। हाय। हु आर यू? व्हाट इज नेम? ओह माय गॉड, हु एम आई? या यू आस्क माय नेम? या डेफिनेटली। वी हैड चिकन फ्राई एट सीजी। या श्योर। यू डोंट रिमेंबर मी? दैट शुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। भैया, ये लड़की हमारे गांव और मंदिर और वातावरण से बहुत प्रभावित है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, इसलिए हमारी मदद चाहिए। ठीक है, इसे यहीं रखो और जरा ढंग के कपड़े पहनाओ, अगर कोई जरूरत हो तो सत्या से मांग लेना। मेरे भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक चुप रहो और वापस शहर चले जाओ। Hmm? Okay.
गांव वालों, हर साल हमारे गांव में कोई ना कोई एक खेल होता है, पर इस साल एक ऐसा खेल आपके सामने और आपकी अनुमति से पेश करना चाहता हूं, जिसे देखकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा दावा है, ऐसा खेल आप लोगों ने नहीं देखा होगा। जो भी मेरे सामने इस महावीर बैल को हराएगा वो मेरी नजरों में महान बन जाएगा। भाषण तो ऐसे दे रहा है जैसे बहुत बड़ा जागीरदार है। ए, तुझे पता है तू किससे लड़ने के लिए कह रहा है? बैल से लड़ना है, बकरी के बच्चे से नहीं लड़ना है। अगर कुछ हो गया तो इनाम में क्या मिलेगा? घंटा। घंटा की बात करता है, अभी बताता हूँ क्या मिलेगा। सुनिए सभी लोग ध्यान से, जो जीतेगा उसे अपनी भांजी का हाथ दे दूंगा। ओ तू उधर किधर उछल कर भाग रहा है? वहाँ कोई रसगुल्ला नहीं बट रहा है, उधर बैल से लड़ना, मुंह टूट जाएगा। मैं मर्द हूँ, पहले थोड़ी ना हार मारूंगा, उस लड़की को मैं दिखा देता हूँ। भैया आज अपनी मर्दानगी साबित कर दो। हाँ। अबे कहाँ जा रहा है भांजा, दंगल में उतरेगा तो लौट के वापस नहीं आएगा। जीजा समझा इसको, काम का लड़की का चक्कर में बंगा ले रहा है। चकू नहीं, मुंह बंद रख बेटा, तू जा। थैंक्स। ये क्या, ये तो बड़े रुआब से उतर रहा है मैदान में। अगर ये जीत गया तो इसकी शादी इससे करवानी पड़ेगी। क्या अशुभ बोल रहे हो बाप, ये क्या खाक जीतेगा उस बैल से भिड़ू। शाबाश भैया। बाप सूर्य पंडित को चैलेंज करने का अच्छा मौका है। हाँ मामा जी। अभी देखो मेरा कमाल। हाँ दिखाई। गांव वालों, इस गांव में कोई मर्द नहीं क्या जो इस बैल से मुकाबला कर सके? लगता है सबने चूड़ियां पहन ली है, तुम तो आओ। इतना भी डर नहीं, आपके यहाँ होने के बावजूद अनाप शनाप बके जा रहा है, आप मैदान में उतरिए मालिक। हाँ भैया, ये चैलेंज हमें लेना ही होगा। हमें इससे क्या मतलब? ऐसा मत कहिए, आपको चैलेंज लेना ही होगा, उतरिए मैदान में और दोनों सिंह पकड़ कर उठा कर पटक दीजिए बैल को। उसके लिए हमारी क्या जरूरत, हमारा भाई सत्या है ना। भैया उन्होंने सवाल पूछा है, तू जाके जवाब दे दे। लेकिन भैया मैं जा। गए। अरे ये क्या, हम लोगों ने मिलकर जो प्लान बनाया था सारा गुड़ गोबर हो गया। अरे भैया ने प्लान की वाट लगा दी, अब क्या करूंगा। भैया ने कहा इसलिए जाना ही पड़ेगा। But if you win, Satya, you have to marry अरे जिंदा बचा तब शादी करूंगा ना, लेकिन तुम बीच में क्यों आ रही हो? हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? डोंट फील इमोशनल। मेरे भैया ने कहा इसलिए आया हूँ। अरे भूल गया क्या? अरे मैं ही तो तुझे दूसरे गांव से लेकर आया था अपने भैया की शादी के लिए, भूल गया? क्यों रे, छोटे मालिक बैल से क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें नहीं बाप, जोक सुना रहे हैं, जिसे सुनकर बैल हंस रहा है। अरे मेरी हालत क्या हो रहा है क्या? Oh my God!
इतनी हिम्मत और ताकत से बैल को हराकर सूर्य पंडित ने साबित कर दिया कि वो महावीर है और अपनी भांजी की शादी। hey! हमने उस बैल को इसलिए हराया कि हमारे भाई की जान बच जाए, ना कि आपकी भांजी के लिए। दिल कहता प्यार से बाहों भर लूं तुझको यार में, मन कहता है संग तेरे को जाऊं इस मस्त बहार में। हुस्न की तू चांदनी, रूप की तू रागिनी, बाहों में सनम तेरी बाहों करार में। दिल कहता है प्यार से बाहों में भर लूं तुझको यार में, मन कहता है संग तेरे को जाऊं इस मस्त बहार में। अपने प्यार के सूरज भी रोशन है, महका ये गुलशन है, अपने प्यार से छुड़ी खन के जो तेरी हवाओं में सरगम हो। प्यार से बाहों में भर लूं तुझको यार में, मन कहता है संग तेरे खो जाऊं इस मस्त बहार में। प्यार से बाहों में भर लूं तुझको यार में, मन कहता है संग तेरे को जाऊं इस मस्त बहार में। हुस्न की तू चांदनी, रूप की तू रागिनी, बाहों में सनम तेरी बाहों करार में। के कंधे चढ़ के ये तो बिल्कुल खाली है। देखा मामा,
तूने गुब्बारा फोड़ा है हाथी नहीं। ये गुब्बारे कितने के? ये लो। हाय रानी। हाय आंटी। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। आप मेरे साथ हाथी के पास चलेंगे? ले जाओ बेटी, हम लोग मंदिर ले जाओ। जी अच्छा। चलिए ना। रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। मामा, मेरी छम्मक छल्लो हाथी को केले खिला रही है। अबे वो हाथी को कुछ खिला रही है तो खिलाने दे, तू क्यों उछल के बावला हो रहा है? आ, वो बात नहीं है मामा, अगर उस हाथी को केले के साथ कील भी खिला दिया जाए तो? अबे केले में कील रख के खिलाएगा, हाथी पागल हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए मामा, हम भी चलकर बेल खिलाते हैं। अरे चुप, इतना जोश अच्छी बात नहीं है मामा। क्या है, चुप कर। अबे तुझे देखकर या जीजाजी को देखकर उस हाथी ने कभी नमस्कार किया है? सूर्य पंडित हो तो अलग बात है, उसको देखकर नमस्कार करता है। अच्छा याद दिलाया मामा, ऐसा कर देता हूँ कि वो सूर्य पंडित को नमस्कार करना भूल जाए। आ जाओ। अबे क्या कर रहा है? अब देखते जाओ। उसमें कीले गाड़ रहा है, दिमाग नहीं है तुझमें? अब देखते जाओ मामा, इसे खाते ही हाथी छम्मक छल्लो के पीछे पीछे भागेगा और फिर छम्मक छल्लो मेरे ऊपर गिरेगी। छम्मक छल्लो आके गिरी तो परवाह नहीं, हाथी आकर गिरा तो क्या होगा तेरा? मुंह बंद रख। रख लिया। चलो रानी। पापा जी, वहाँ क्यों खड़ी हो? पास आओ। आज मुझे आपसे कुछ मांगना है पापा जी। तुम्हें क्या चाहिए बेटी? मैं जो भी मांगूंगी देंगे। तो मांगो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है? मुझे माँ चाहिए। देंगे ना पापा जी, आप चुप क्यों हैं? पूछ रही हूँ, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना पापा जी, मैंने आपसे माँ मांगी, आप मुझे लाकर देंगे ना? बताइए ना पापा जी, लाकर देंगे ना? बोलिए ना, बोलिए ना पापा जी। बेटी, तुम्हारे लिए सिर्फ हम हैं। नहीं, मुझे माँ चाहिए। कहो,
तुमसे कोई कुछ भी मांगता है तुम दे देते हो। आज रानी अपनी माँ मांग रही है तुमसे बेटा, क्या तुम लाकर इसे दे सकते हो? क्या ये संभव है? इतने दिनों से तो शादी से क्यों इनकार कर रहा है मुझे पता है। सौतेली माँ लेकर आओगे तो रानी को प्यार नहीं मिलेगा इसीलिए। जिसका कोई संबंध नहीं है रानी से, उस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर रानी की जान बचाई है। हाँ रे, उस लड़की के मन में बहुत प्यार है हमारे लिए। लड़की भी यही चाहती है कि तुमसे शादी करके रानी की माँ बनकर इस घर में आए। भैया, इंसान कोशिश करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसी पत्नी नसीब वालों को मिलती है जो उसे समझ सके। क्यों रे, शादी की बात आई तो बड़ा बन गया तू? ऐसा नहीं है भैया, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, आपको भी कोई इतना ही प्यार करे ऐसा कोई आपकी जिंदगी में चाहिए ना? जब तक ये नहीं चाहेगा कोई कैसे आ सकता है इस घर में? ये तो किसी की बात को सुनने मानने को तैयार नहीं है। बेटा अभी भी वक्त है, उसे ले आ। अभी ये सिर्फ 6 साल की लड़की है, 10 साल बाद ये 16 साल की हो जाएगी। तब कुछ इसके अपने ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब दे पाएगी माँ। बताइए ना पापा जी, मेरे लिए माँ लेकर आएंगे? बताइए ना लेकर आएंगे, बोलिए ना पापा जी। ऐसा ही होगा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हे गॉड, थैंक यू। अरे शाबाश अपनी, अबे इतना बढ़िया माल कहाँ से लेकर आया है? ब्यूटीफुल, समय तारे तारे। ए श्री, क्या बात है, आज बहुत हिंदी बोल रही हो। वेट एंड सी, आज ज्यादा सीख जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, हाँ? और क्या पसंद आया? नो तो मैं और दूर में जल रहा वो आग। क्या कहा, आग? ब्यूटीफुल आग। सी सी। ए, कौन है वहाँ? अरे छोटे मालिक। ए, श्री जल्दी सबको बुला के लाओ, जाओ। सूर्य पंडित की पत्नी होना बड़ा सौभाग्य है, नसीब वालों को ही ऐसा पति मिला। निस्संदेह ये तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों का फल है, ऐसे आदर्श इंसान तुम्हें इसलिए पति के रूप में मिले हैं। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल को तसल्ली हुई, मुझे बिना बताए शादी कर लिया तुमने, थोड़ी नाराजगी है बेटी? सूर्य पंडित जी के साथ तुमने शादी किया इस बात की मुझे खुशी है। तुम्हारी बहन ने जो गलती की थी वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, पर तुम भी वही गलती करने जा रही हो बेटी। इतने सारे लोगों के लिए वो भगवान है, पर तुम्हारी बहन के लिए ऐसे क्यों नहीं है? बदला लेना ही इंसान का गुण नहीं होता, हमारे दिल में भगवान ने प्यार भी दिया है, इसलिए बदला लेने की भावना को त्याग कर अपने दिल में प्यार की भावना को जागृत करना चाहिए। मेरा कहना मानना या न मानना यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है यह सभी लोगों का कहना है। इस बात के साक्षी हैं इस मंदिर में स्थापित सभी देवी देवता। मैं चलता हूं। माफ कर दीजिए, झूठ को सच समझकर और सच को झूठ समझकर मैं आपको बर्बाद करने के लिए इस परिवार में बहू बनकर आई थी। आप जो समझते हैं मैं वो नहीं हूं, मैं भवानी की बहन हूं। ये सब जानकर आप मुझे माफ नहीं करेंगे, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।
सत्या। भाभी भैया सुन लेते तो अनर्थ हो जाता। ये सच तो उन्हें कभी ना कभी पता चल ही जाएगा सत्या। आपकी जिंदगी क्या हो जाती आपने सोचा है? अब ये सच आप भैया को बताने जा रही है? आपका मन बदल गया है, बस इतना काफी है। एक आदमी अगर 100 झूठ भी बोले तो कोई बात नहीं होती, पर एक औरत एक झूठ भी बोले तो कोई मर्द इस बात को सहन नहीं कर पाता। और आप भवानी की बहन हो, ये तो भाई कभी सहन नहीं कर पाएंगे। सत्या आप बदल गई हैं, आपके मन में कोई पाप नहीं है। अब आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, आप भैया के साथ खुश रहिए। अगर आप उन्हें सच बताएंगी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए आप उन्हें नहीं, वादा कीजिए। पंडित जी ने सुहाग रात का मुहूर्त आज तक नहीं निकाला। अरे बाप रे, ये तो फिर से इंग्लिश में सर खाने आ गई। बहुत पीछे लग रहे हो। बड़े मालिक की सुहाग रात है, सारा बंदोबस्त मुझे ही करना है। ऐसा क्या? ये सोफे सा टिश्यू पेपर क्या है? क्या बात करती हो, ये टिश्यू पेपर नहीं किताब है। मालिक इसे रात में पढ़ पढ़ के सुहाग रात मनाएंगे। बात पूछो। पूछिए। क्या हुआ केशव? मालिक ये पूछ रही है सुहाग रात शादी के बाद ही क्यों होती है, शादी से पहले क्यों नहीं होती? ये बात तो हम दोनों के बीच ही हो सकती है, भैया नहीं कर सकते। छोटे मालिक एक बात बोलूं, बड़े मालिक ने तो शादी से पहले किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो वो सुहाग रात कैसे मनाएंगे? मुबंगर, ऐसी कोई बात नहीं जो उनको ना मालूम हो। उनका नाम सूर्य पंडित है, जानता नहीं? Yeah.
के कृष्ण राव जी सर, उस मंदिर से लेकर उस इमली के पेड़ तक, वो जो तालाब दिखाई दे रहा है सर, उस तालाब से रोड तक सारी की सारी जमीन अपनी है। इस पर मैं बहुत बड़ा क्लब बनाना चाहता हूँ। ओके सर। बियर बार, डिस्कोथेक और स्विमिंग पूल किस किस जगह पर होने चाहिए ये मुझे डिटेल में स्केच बनाकर दीजिए सर, और बाकी के काम मैं देख लूंगा। अरे छोटे साहब, आप यहाँ पर? ओ पंडित जी, आइए आइए, अच्छे समय पर आए। मैं एक क्लब बनवाना चाहता हूँ, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। क्लब? हाँ। ऐसे पवित्र जगह पर आप क्लब बनाना चाहते हैं छोटे बाबू? इस तरह से अपने गांव के नाम को क्यों मिट्टी में मिलाने में तुले हुए छोटे बाबू, ये उचित नहीं है। ए बूढ़े, मैंने तुझसे मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, सलाह नहीं मांगी। ये मेरी जगह है, मैं यहाँ क्लब बनाऊँ, ये शमशान मेरी इच्छा है। ज्यादा समझाओ मत, वरना तेरी समाधि यही बना दूंगा। ये बात मैं सूर्य पंडित को बताने वाला हूँ। सूर्य पंडित को बता दूंगा, सूर्य पंडित को बता दूंगा। अब जाकर सूर्य पंडित को बता। ये सूर्य पंडित जी, पुजारी जी, किसने किया ये? हो गया बस, सबका काम खत्म हो गया। क्या कर दिया तूने, उस मंदिर में रहने वाले पुजारी को मार दिया? मारा तो सही, पर तेने पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया। उसके बारे में सूर्य पंडित को तो पता चल गया होगा, अब तो शेर की तरह गुर्राता हुआ इधर ही आ रहा होगा तुझे मारने के लिए। अब तो वो तेरे हाथ पांव तोड़ डालेगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी भी गाँव में नहीं है। अच्छा तो यही होगा, तू यहाँ से भाग जा, भाग जा, जा जा, तू खाट के नीचे चुप। ये चूहे की तरह डरना बंद करो। ये तो मेरा प्लान था कि मैं पुजारी को मारूंगा और सूर्य पंडित से जाकर बताएगा। ए, तुम सोचते हो सूर्य पंडित आएगा और ये डरकर भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये तो सुबह उठकर दूसरों के खून से मंजन करने वाले किराए के गुंडे हैं। अब सूर्य पंडित तो क्या, चले सूर्य देव भी खुद उतर आए, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो शेर की तरह गुर्राता हुआ आ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज तुम्हारे आगे जोड़ता हूं। मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे माफ कर दो, वो बच्चा है। तुम्हारे बेटे ने कोई गलती नहीं की कि उसे माफ कर दिया जाए, उसने पुजारी जी को मारने का पाप किया है। सही कह रहे हो, पर अगर ये बात पुलिस और कचहरी तक जाएगी, इससे हमारी बदनामी के साथ गांव का नाम भी बदनाम हो जाएगा। ये इसकी पहली गलती है, इसे माफ कर दो। इस पाप के लिए हो सकता है भगवान इसे माफ कर देता,
लेकिन मैं नहीं कर सकता। न्याय सबके लिए बराबर है, अगर मेरा भाई भी होता तो मैं उसे भी माफ नहीं करता। इतना होने के बाद भी अगर तेरा बेटा जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि इसे सजा मिलेगी और वो भी मेरे हाथों से। सूर्य पंडित, पिताजी, अरे आप भीगी बिल्ली की तरह इससे क्यों डरे हुए हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो डर है कि जैसे सूर्य पंडित ने भूपति के बेटे को जेल में डलवा दिया है, कहीं उसी तरह वो मुझे भी जेल में न डलवा दे, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। नहीं नहीं, वो आपको जेल में नहीं डलवाएंगे। नहीं डलवाएगा, सीधा जान से मार डालेंगे। इसलिए वसीयत मेरे नाम कर दो। अबे हराम की औलाद, यहाँ मेरे जान पे बनाई है और तुझे वसीयत की लगी हुई है। तुम लोगों को यूं ही नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोगों से सारी बातें उगलवा कर अपने साथ जेल के अंदर ले जाऊंगा, समझ गए तुम? ऐसी गलती मत करना वरना सत्या तुम्हें जान से मार डालेगा। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे। हाय विजिल छमिया, ओए बंद कर बंद कर बंद कर, विजिल छमिया आ गए, विजिल छमिया। आप लोग क्यों झांस कर रहे हैं? दिस इज विलेज नेटिविटी पार्ट 3। ओह अंकल, आई लव यू विलेज नेटिविटी, आई लाइक टू विलेज डांसिंग, द विलेज सिंगिंग, अंकल आई लाइक सो मच अंकल, गांव का सब कुछ अच्छा है। ओह विलेज डांसिंग सिंगिंग, यू वांट टू लर्न एवरीथिंग? तुम हमारे साथ गांव का डांस सीखना चाहोगी? बांसुरी वाला बांसुरी बजाएगा, ढोल वाला ढोल बजाएगा, मैं तुम्हें डिस्को सिखाऊंगा, मैं तुमको उड़िया सिखाऊंगा, बाद में लावणी सिखाऊंगा जिसमें धोती को ऊपर रखूंगा। धोती? धोती जो बांधते हैं, साड़ी साड़ी। साड़ी साड़ी को बांधो, एक कदम आगे निकालो, हाथ भी आगे करो, इधर करो उधर डांस शुरू करो। ए झापरकंडी, तू बजा और हमारे साथ में डांस कर, चल। ए चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे, बाप रे पंडित जी आ गए। शरीफ इधर आओ। शरीफ, यस सर। ये क्या पागलपन लगा रखा है सर? विलेज म्यूजिक सर, विलेज सॉन्ग, विलेज डांस। अरे बाप रे, फिर इंग्लिश? हिंदी नहीं आती क्या? हमेशा इंग्लिश में डिंग 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 करती रहती है। बट सर, ये सब तो विलेज नेटिविटी है ना। किसने कहा ये नेटिविटी है? सही गांव की संस्कृति क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। लाखों करोड़ों में गांव हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, हाँ दुनिया में सबसे प्यारा है। कोयलिया बोले रे, पुरवैया डोले रे, जन्नत ये गांव हमारा है। हरियाली हर सु झूमे, खुशहाली धरती चूमे, संगीत पवन में गूंजे, नदियों में सरगम बाजे, जब खोले पलके शिव जी का डमरू डमके, डम डमा डम डम डम, बोले ढोल बजाओ रे, हे चम चमा चम चम चम, जरा झूम के नाचो रे, डम डमा डम डम डम, बोले ढोल बजाओ रे, चम चमा चम चम चम, जरा झूम के नाचो रे। राजा अपना राम, अयोध्या गांव हमारा रे, प्यार मोहब्बत की यह नदी नित दिन धारा रे, बोलो शिव शंभो की जय रे, बोलो हर हर महादेव रे, बोलो शिव शंभो की जय रे, बोलो हर हर महादेव रे। ये डम डमा डम डम डम, ढोल ढोल बजाओ रे, चम चमा चम चम चम, जरा झूम के नाचो रे। प्यार हम तो प्यार लेते हैं, मिलजुल के रहते हैं, रहते हैं लोग घरों में और मकानों में, हम दिल में रहते हैं, हम तो
ढोल बजाओ रे, चम चमा चम चम चम, जरा झूम के नाच रे। ईद जहाँ खुशियों का पहरा है, वहाँ रोज दशहरा है। जो प्यारा सा दिल है रखता, उसमें ही तो रब है बसता। ऐसा घर परिवार जिसको मिले, जीवन में उसके नसीब खुले। तू ढोल चढ़ के आ जा मेरे घर अंगना, हाय डम 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 डम, बोले ढोल बजाओ रे, चम चमा चम चम चम, झूम के नाचो रे। नमस्ते सर। नमस्कार प्रभाकर, आपके आने की वजह? जब भी मैं इस तरफ आता हूं मैं आपसे मिलकर जरूर जाता हूं, पर इस समय मैं ड्यूटी पर हूं सर, मुझे माफ कीजिए। ड्यूटी पर? हाँ सर, शहर में एक आदमी सोना बेचते हुए पकड़ा गया। उसका कहना है कि ये सोना आपके घर का ही है, देख लीजिए सर, ये जेवरात पहचान लीजिए। ये जेवरात तो हमारे ही हैं, पर इसे किसने चुराया? रामास्वामी के सिर से लेकर आओ। यस। यस। ये वही आदमी है जो हमें मिला था, जिससे घर के किसी आदमी ने जेवरात दिए थे। वो कौन है ये बताने से डर रहा है। ऐसा ही साहब, ये मामला हमारे घर का है, इसे घर में ही रहना चाहिए। ठीक है सर, कम ऑन। तूने? हाँ मैंने, शहर में जेवर बेचने मैंने ही भेजा था उसको।
तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? घर में सारी चीजों पर तेरा पूरा अधिकार है, तो फिर तुझे इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहता क्यों नहीं, जब तेरे लिए ये अपनी जान दे सकता है तो पैसे क्यों नहीं दे सकता? तूने विश्वासघात किया है इसके साथ। ऐसा नहीं है बाबूजी, बार बार इनके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहा है, तू होश में तो है? वही कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। सत्या, ये क्या बोल रहे हो? भाभी, ये भाइयों का मामला है, आप बीच में ना आए। मैं शहर में रहकर अच्छा सा बिजनेस करना चाहता था, पर मुझे भैया ने इस गांव में ही रहने को कहा। मेरी इतनी पढ़ाई, मेरी इतनी सारी डिग्रियां, आखिर ये सब मेरे किस काम की? सत्या, अगर तुझे बिजनेस करना ही था तो एक बार उससे कह दिया होता, लेकिन तूने अपने ही घर में चोरी करके इस गांव में सूर्य पंडित की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। चोरी? आप इसे चोरी कहते हैं? क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं? मैंने सिर्फ अपने हिस्से का पैसा लिया है। चुप ना समझ बेटा, बेटा वो ना समझ है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। वो छोटा है, 10 रुपए भी वो कभी 10 कदम दूर से मांगता था, लेकिन आज वही मेरे सामने खड़ा होकर बराबर का हक मांग रहा है। बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है वो। इतने दिन तक मैं गर्व करता रहा कि हमारी सोच एक सी है, वो मेरी गलती थी। इसके प्यार के दिखावे को मैं हमेशा से अपना गर्व समझता था। मेरी बात इसके लिए आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद इसके लिए श्राप है, ये मैंने आज जाना। हम दोनों में इतना प्यार था कि कोई अलग नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी आज की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे छोटा होकर मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है। ए, तुझे तेरा हक ही चाहिए ना पिताजी? सूर्या, वैसे तो दोनों का बराबर का हक है, लेकिन मैं इस घर को बांटना नहीं चाहता। मुझे दौलत का कोई लालच नहीं, तब इसे दे दो। सत्या, सबके सामने तुमने मेरी इज्जत बचाई, अपने आप को दोषी ठहराया। तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे भैया मुझे कोई सजा देते और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती। मैं आपको उनके सामने दोषी नहीं देख सकता। आप उनके साथ हमेशा खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए तुम अपने भैया से अलग हो जाओ, ये तो गलत बात है। भाभी, कुछ गलत नहीं है। बाप बेटा और भाई भाई अलग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक पत्नी पति से अलग हो जाए तो लोग उसे चरित्रहीन कहते हैं। भाभी, अगर आप दोनों अलग हो जाएंगे तो आज जो सारे गांव वाले उनका सम्मान करते हैं, वही कल उन पर हंसेंगे।
जो उनके सामने सर झुकाकर बातें करते हैं वो लोग कल सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। और अरे जीते जी, मैं ऐसा कतई नहीं होने दे सकता, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। अपने भैया से इतना प्यार करते हो, उनसे कैसे दूर रहोगे सत्या? भाभी मैं जानता हूँ भैया से दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर आप दोनों की खुशी के लिए मुझे दूर रहना ही होगा। इतने अच्छे परिवार को मेरी दीदी ने जिद में आकर अलग किया था, और अब तुम दोनों भाइयों को मैं अलग करवा रही हूँ। उम्र में तो छोटी हूँ पर रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारे पैर नहीं छू सकती पर नमस्कार करती हूँ। ये बात नहीं है, कितने दिनों से हमरे बीच झगड़ा लगवा रहे हैं। कल रात को इनके तालाब में जहर मिलाए कहकर हमरे चार आदमियों को पकड़कर बहुत मारे। नहीं साहब, जात को बीच में लाकर हमें उन्हें मारने क्या जरूरत है? उन्हें तालाब में जहर मिलाते हुए हमने अपनी आंखों से खुद देखा था। ए, सूर्य पंडित के सामने का हम झूठ बोलेंगे? अरे तो हार झूठ सच के ऐसे तैसे। पंडित जी देखिए, इतने सालों से हम एक साथ मिलकर परिवार की तरह रह रहे हैं, अगर किसी से गलती हुई है तो हमें उन्हें समझा कर शांत करना चाहिए। जात के नाम पर एक दूसरे से इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। शाबाश, तुम्हारे जैसे दो चार और ज्ञाता यहाँ पर आ जाए तो इस गांव का तो उद्धार ही हो जाए। सूर्य पंडित, अपने घर में खुद के झगड़े तो तुमसे संभलते नहीं हैं, और चले हैं गांव को समझाने के लिए। सूर्य पंडित, अपने घर को तो संभाल नहीं सकता, गांव को क्या खाक संभालेगा क्या रे? क्यों भाई, मैंने थोड़ी सी सच्चाई क्या कह दी? सबके सब मुझ पर बरस पड़े, इसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे पूछो इनसे, खुद के घर में भाई भाई से लड़ रहा है। बैठो बैठो, आपके चीखने चिल्लाने से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सारे कारनामों को बड़े बूढ़े बच्चों को चन्ना मामा की कहानी की तरह सुनाएंगे, और तुम यहाँ बैठे सलाह देते रहो, कायदे कानून सिखाते रहो। बस बहुत कर ली तुमने सेवा, अब घर जाओ और आराम करो। रिश्ता ये दिल का ओ रब्बा बनाया क्यों, भाई से भाई हो गया पराया क्यों। फूलों में कांटे उगे, रिश्तों में ग्रहण लगे, छाया गम का ये साया क्यों। कैसा है ये जमाना, हो जाए अपना बेगाना। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी। फूलों में कांटे उगे, रिश्तों में ग्रहण लगे, कोई जाने ना कैसी है ये जिंदगी। आप इस तरह चुप क्यों हैं? कुछ नहीं वसुंधरा। क्या बात है? मेरे सामने बात करने की, सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और आज वही लोग बीच गांव में मेरी बेइज्जती कर रहे थे। घर नहीं संभाल पाया तो गांव क्या खाक संभालूंगा? ये उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती जो मैं वहां गया। और इसका कारण है मेरे जान से भी प्यारा मेरा भाई वसुंधरा। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। सोचा था पढ़ लिखकर वो बड़ा आदमी बनेगा, पर वो मेरा ही अपमान करेगा। ये मुझे पता नहीं था, अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांग लेता तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर मुझसे हक की बात कर रहा था। वो हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। यही बात मेरे मन में खटक रही है। वसुंधरा, आप पता चला कि दुनिया में प्यार प्यार नहीं होता, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। मैंने एक भाई का फर्ज अदा किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। मुंह जली बिल्ली की तरह इधर तो क्यों घूम रहे हो? अरे इस बिल्ली को सूर्य पंडित के सामने नहीं दिखाना चाह रहा हूं,
इसलिए अपना मुंह बंद करके रखा हुआ हूँ। मेरी बात नहीं समझे? वो किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं। तो जा ना। तो जा ना। अरे जाऊंगा तो मेरे दो टुकड़े कर देगा वो। अगर नहीं गया तो वो यहाँ आकर दो टुकड़े कर देंगे। मेरा बेटा होने के बावजूद मेरे दो टुकड़े होने की बात करता है। अपन आपका नहीं अपनी माँ का बेटा है बाप। भीमराव जी क्या हुआ? सूर्य पंडित जी ने आप लोगों को बुलाया है। आ रहे हैं, पर पंडित जी ने हम दोनों को क्यों बुलाया? कल उनकी बेटी का जन्मदिन है ना, दूध चाहिए, जल्दी जाओ। ये लो बीड़ू, वो जन्मदिन के लिए बुला रहे हैं, ये मरण दिन समझ रहे हैं। सच में डर गया था, बच गया, चलता हूँ। ठीक नमस्ते सूर्य पंडित जी। नमस्ते। और एक हफ्ते बाद पुष्कर आरंभ हो रहा है। 12 साल में एक बार यहाँ पुष्कर के दिनों में ही सिद्धेश्वर आलय के शिवलिंग प्रतिष्ठा करके रुद्राभिषेक करने की प्रथा चली आ रही है। पिछली बार आपके माता पिता ने अभिषेक किया था, यह अभिषेक पत्नी के साथ करते हैं। इतने दिनों आपने शादी नहीं की, हम सब सोच रहे थे कि ये पूजा आप ही से कराएंगे। भगवान की कृपा से आपकी शादी हो गई है। अब आप दोनों को यहाँ रुद्राभिषेक करना होगा, जिससे आपके गाँव का ही नहीं सर्वजन का कल्याण निश्चित। ऐसा ही होगा। अभिषेक के लिए तैयारी कीजिए आप। जितना भी खर्चा होगा उसकी चिंता न करें। उस परमेश्वर के रुद्राभिषेक से गांव का लाभ होगा। और मुझे क्या चाहिए? सभी गवाहों के बयानात को सुनने के बाद अदालत मुजरिम प्रकाश को मंदिर के पुजारी की हत्या का आरोपी करार देते हुए उसे कानूनी तौर पर यानी IPC सेक्शन 302 के तहत मुद्दई प्रकाश को फांसी की सजा सुनाती है। इतनी हिम्मत उस सूर्य पंडित की? इतनी हिम्मत? मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े, उससे माफी की याचना की, फिर भी वो मेरे बेटे को जेल ले गया और उसे फांसी की सजा दिलवाई। मैं उस सूर्य पंडित को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मुझे सूर्य पंडित की लाश चाहिए, सूर्य पंडित की लाश चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। सूर्य पंडित का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या नहीं कर पाएंगे? अरे जीजा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इसका खून क्यों कर दिया? इतना ही गुस्सा है तो जाकर सूर्य पंडित का खून करना। ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी काट डालूंगा मैं। उस सूर्य पंडित के परिवार का सर्वनाश कर दूंगा, आकाश और पाताल एक हो जाए। पर सूर्य पंडित का रुद्राभिषेक नहीं होगा। एक ही समय में, एक ही पल में सूर्य पंडित और उसके भाई की लाश मेरे सामने होगी, मेरे सामने। श्री क्या बात है सत्या? चलो सामान बांधो, हम कहीं जा रहे हैं। हाँ श्री, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। हम लोगों की तकलीफ को देखकर वसुंधरा भाभी कभी भी भैया के सामने सच्चाई बोल सकती हैं। इतनी मुश्किल से दोनों की शादी करवाई है, अब मेरी वजह से दोनों अलग हो जाएं, ये मैं कभी नहीं सह पाऊंगा श्री। इन परिस्थितियों में हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। चलो सामान बांधो। नमस्ते पंडित। नमस्कार पंडित जी, हमारे घर लड़की पैदा हुई है, अपने शुभ आशीर्वाद के साथ इसका नामकरण कर दीजिए। ठीक है। क्या नाम रखे इसका? जो आप ठीक समझे। वसुंधरा। पूजा का समय हो गया। नमस्कार। नमस्ते वसुंधरा। हाँ? उस बच्ची का नाम वसुंधरा क्यों रखा जानती हो? वो बच्ची भी तुम्हारे जैसी संस्कारी बन जाए, बड़ी होकर वो भी तुम्हारे जैसी गुणी बने, इसलिए रखा है। आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे दिल को आप समझते ही आपका बड़प्पन है। औरतें अच्छे पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, मुझे तो पति के रूप में ही भगवान मिल गए। क्या रे, गांव छोड़कर जा रहा है? गांव तो क्या, मैं तुझे दुनिया से ऊपर भेज दूंगा। उधर तेरा भाई रुद्राभिषेक करने जा रहा है,
वो भी कुछ ही मिनटों में बम के धमाकों से उड़ जाएगा। भैया अरे मारो से। यशनी तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, भैया को खबर करो कि इनकी जान को खतरा है। वसु क्या हुआ? कुछ नहीं। जल्दी करो। ड्राइवर कार रोको। चलो। आइए पंडित जी। नमस्कार। दीर्घायुष्मान भव पंडित जी। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है और बहुत जल्द एक संतान भी प्राप्त होगी। पंडित जी ये लीजिए, पूजा के वस्त्र पहन कर आइए, बाद में पूजा शुरू करते। ठीक है। शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवमेकपरं वन्दे शिकाराय नमो नमः। ॐ महामंगलाय महाभिषेकाय महाशान्ताय महावीरेन्द्राय महायोगेन्द्राय महागुहांगाय महागुरुविचक्षणाय महामूलप्रदाय महाबलाय महामेधाय महानटशेखराय महाप्रेताय महायज्ञायाय महाधर्माय महासाराय महापापनाशाय ॐ महारोगनाशनाय नमः। महाकर्णायाय महाजटायाय महाकेदारीश्वराय महामण्डलाय महामातङ्गत्वराय महाकालविक्रमाय महामङ्गलदायकाय महास्कन्दाय महामोक्षफलाय महामोक्षरूपाय महायोगमायाय महायुक्तभावाय महायोगसेव्याय महायोगरताय महायोगक्षेमाय ॐ महामोक्षदायकाय नमः। ॐ महाव्याघ्रचर्मांबराय महावज्रभूषिताय महापाञ्चिताय नमः। ॐ मूर्धयाय नमः। ॐ मूर्धलिंगाय नमः। ॐ हिरण्याय नमः। ॐ हिरण्यलिंगाय नमः। ॐ दिव्याय नमः। ॐ दिव्यलिंगाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ सर्वाय नमः। ॐ सर्वलिंगाय नमः। ॐ सुवर्णाय नमः। ॐ सुवर्णलिंगाय नमः। ॐ ज्वालायाय नमः। ॐ ज्वालालिंगाय नमः। ॐ आत्माय नमः। ॐ आत्मलिंगाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवलिंगाय नमः। एतत् अष्टो
तरनाम पूजाम समर्पयामि। सुंदरा क्या हुआ, तुमने पूजा अचानक इतनी जल्दी क्यों समाप्त कर दी? आपके भाई को भूपति के लोग उठाकर ले गए। मेरा कोई भाई वाई नहीं है, जिस दिन उसने हक की बात की वो मुझसे अलग हो गया, अब मेरा कोई भाई नहीं है। ऐसा मत कहिए, जो भी अनर्थ हुआ उसकी वजह मैं हूँ। अब तक मैं आपको धोखा देती आई हूँ, मैं आपको और धोखा नहीं दे सकती, सत्या को बचा ली। मेरा भाई जो झूठ कहता रहा मैं उसे सच मानता रहा, जिसे मैंने बाहर निकाला वो मेरा भाई सत्या नहीं बल्कि एक सत्य था। चल घर चल। भैया मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा रे? आप दोनों मिलकर बुलाएंगे तभी आऊंगा। क्या बात कर रहा है? जिस औरत ने आज तक मुझे धोखा दिया और मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया, मेरी जान से प्यारे भाई को मुझसे दूर कर दिया, ऐसी औरत का मनहूस साया दोबारा मेरे घर में पड़े ये इस जन्म में नहीं होगा। गुनहगार को माफ करने वाला भगवान से भी बड़ा होता है, ये आपने ही कहा था ना। दूसरों की बात सुनकर हमारे घर को बर्बाद करने वाले को माफ कर दिया, लेकिन आपका वादा निभाने के लिए भाभी ने जो किया वो कोई स्त्री नहीं कर सकती। क्या आप उन्हें माफ नहीं करेंगे? मुझे माफ कर दो, अपने पति को जो मैंने धोखा दिया उसका प्रायश्चित करने के लिए ही तो मैंने अपने बच्चे को पेट में मार डाला। एक अच्छे पति की एक अच्छी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, अफसोस की एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। बहुत गलत किया आपने, मां बनना तो बहुत ही किस्मत की बात होती है और ऐसे मौके को खुद अपने हाथों से गंवा दिया आपने।
तुम्हारे भैया को तकलीफ हो ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती हूँ सत्या। तुम्हारे भैया की नजरों में पत्नी एक दोस्त की तरह है। ऐसे देवता जो गांव वालों से वादा करते हैं उनसे मैंने वादा किया है। इस वादे के लिए मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खुद को भी मार सकती हूँ, खुद को भी मार सकती हूँ। हर औरत की जिंदगी माँ बनने से पूरी होती है। माँ कहलाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, पर आपके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सब सुनने के बाद भी यदि आप ना समझें तो आपकी मर्जी। रानी आपकी जिंदगी है, मेरा प्यार भी सिर्फ रानी के लिए होगा। उसे माँ की ममता और प्यार दूंगी। रानी के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। वसुंधरा, अपने भाई की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोटने वाला भाई और पति को खुश रखने के लिए जान की परवाह न करने वाली पत्नी, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। हमें डर था दूसरों को सही सलाह देने वाला सूर्य पंडित कहीं अपनी जिंदगी में गलती न कर बैठे, लेकिन इसके किसी बात का कोई जवाब ही नहीं है। आकाश में उगने वाला सूर्य भी एक बार डूब जाता है, परंतु हमारा सूर्य पंडित वो सूरज है जो कभी नहीं डूबता। चलो वसुंधरा। भैया श्री, why are you standing there? Come here. अरे बाप रे, इंग्लिश में? भैया I know everything. I know what you want to say. I know what she want to say. श्री, come join us. मालिक, इन्होंने इंग्लिश कब सीखी? अरे मूर्ख, कहीं का तुझे क्या मालूम कि वो कितना पढ़ा लिखा है। आर यू हैप्पी? हम भी बहुत खुश हैं।